आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टी वी खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इंतखाबात के ऐलान के बाद हर सियासी जमात अपने अपने नुमाइंदों का ऐलान करी और वो नुमाइंदे अपनी जमात को मुस्तहकम बनाने के लिए हर इलाके में तशहरी मुहिम जारी रखे हुए हैं। उसी तरह आज हम बल्दिया डिवीज़न 55 मालापल्ली शांति नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर TRS जमात की जानिब से अपने उम्मीदवार की हैसियत से मोहम्मद हफीज़, जो अब्दुल हफीज़ साहब को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया गया है, हम उनकी तशहरी मुहिम का हिस्सा बने यहाँ पर। और देखा कि आवाम की कसीर तादाद इनके साथ मौजूद थी इनकी ताईद में, और जहाँ भी वो TRS पार्टी की जानिब से रुजू हो रहे थे, आवाम का अच्छा रिस्पांस उन्हें हासिल हो रहा था। कई लोगों ने अपने दुआओं से नवाजा उन्हें आज, और अपना वोट उन्हें देने का वादा किया। हमारे साथ जनाब अब्दुल हफीज़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो TRS पार्टी के उम्मीदवार क्यों बने और उन्हें इस पार्टी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आप जो इस जमात से जुड़े, इस TRS जमात से, उससे जुड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रही आपकी? मेरी सबसे बड़ी वजह है इस जमात से जुड़ने की डेवलपमेंट। इतने सालों से देखते आ रहे थे हम, सब लोग बातें कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, मगर यहाँ पर बात भी हो रही है और रिज़ल्ट भी आ रहा है। इसीलिए ये सबसे बड़ा रीज़न है, डेवलपमेंट की बुनियाद पे मैं TRS पार्टी को जुड़ा हूँ। और ये पार्टी एकदम सेक्युलर पार्टी है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। इस वजूहत से मैं TRS पार्टी ज्वाइन किया हूँ और 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस पार्टी में। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के सारे जैसे डेवलपमेंट और शादी मुबारक, वजीफ़ा, बच्चों के स्कूल्स के लिए बहुत सारे चीज़ों को अपग्रेड करते हुए अमल में लाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। TRS पार्टी जो बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। जैसा कि आपने कहा, आपको सियासत में जब इंटरेस्ट किस तरह से पैदा हुआ और कब पैदा हुआ? मुझे सियासत में इंटरेस्ट इस तरह पैदा हुआ क्योंकि मुझे पब्लिक लीडर बनना है, पीपल्स लीडर बनना है। मेरा ताउन ऑलरेडी ज़माने से होते जा रहा है। मैं एजुकेशन की तरफ, बच्चों की जॉब्स की तरफ, उनकी हाई क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, बहुत सारे TRS की स्कीमात है जिसको लोग बराबर तरीके से पहुंचा नहीं सक रहे हैं, हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं TRS ज्वाइन किया हूँ और अपने कारनामों से इंशाल्लाह अंजाम देते हुए लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इसके यूटिलाइजेशन करिए, एजुकेशन के फैसिलिटीज यूटिलाइजेशन करिए, बहुत सारे स्कीम्स है उसका यूटिलाइज़ करिए, स्कॉलरशिप से उसका यूटिलाइज़ करिए, आपको अब्रॉड के स्कॉलरशिप से उसका यूटिलाइज़ करिए। सिर्फ आपको इतला देना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है। और यहाँ पर आज के माहौल में पढ़े लिखे एक कारपोरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। अपना ताउन में सिर्फ तहे दिल से सिर्फ सोशल काम के लिए आया हूँ, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मंशा नहीं है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि TRS दौरे हुकूमत में पूरे हिंदुस्तान में मिसाली स्कीमात को राय अमल लाया गया है, चाहे वो पैदा होने, बच्चे की पैदाइश पर जो स्कीम से स्टार्ट होती है, वो मरे दम तक उस स्कीम का सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि शादी मुबारक हो या फिर बच्चे की पैदाइश पर 14,000 रुपये देना हो, उस तरह से कई स्कीमात हैं जो TRS की तरफ से राइज की गई हैं, और ये स्कीमात तो पूरे मुल्क में मिसाली माने जाती हैं। कबल में MLA इलेक्शन के दौरान कई महाराष्ट्र के नुमाइंदों ने यहाँ पर TRS पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात की ताकि वो TRS जमात को महाराष्ट्र में भी लॉन्च करें। तो ये एक काफ़ी बड़ी मिसाल है कि कहीं पर महाराष्ट्र के बड़े कायदीन ने यहाँ पर वज़ीर आला, वो हमारे रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से भी इस सिलसिले में मुलाकात की। यही वजह रही कि MLA इलेक्शन में TRS ने काफ़ी मकदार में काफ़ी भारी वोटों के साथ, मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की। और यहाँ पर हमारे कायद अब्दुल हफीज़ साहब भी इसी चीज़ से मुतासर होकर इस जमात से रुजू हुए। अब्दुल हफीज़ साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस वार्ड को क्यों चुना? मैंने इस वार्ड को इसलिए चुना क्योंकि वो पहली बात मेरे घर के करीब है, मेरा घर मुस्तफ़ा मस्जिद के पास है, और यहाँ पर इस वार्ड में रोड्स वगैरह देख के बहुत सारे लोग बोले कि आप इस वार्ड को चुनिए, आपके जैसे एजुकेटेड आदमी की ज़रूरत है। इसीलिए मैं वार्ड चुना, इंशाल्लाह
कामयाबी होने के बाद इंशाल्लाह जो भी रोड पेंडिंग का काम है, जो भी डेवलपमेंट का काम है, इंशाल्लाह तय दिल से वादा करता हूं कि मैं बिल्कुल अमल में ला के मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। वाज़े रहे कि नाज़रीन एजुकेशन ये काफ़ी अहम चीज़ है। अगर कायद आपके तालीम याफ्ता हो तो आपके मसाइल को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। वाज़े रहे कि रोड्स जो बुनियादी मसाइल हैं वो अखिलती इलाकों में हर जगह पर उसके मसाइल पाए जाते हैं। कहीं पर रोड्स नहीं हैं तो कहीं पर रोड्स में खड्डे हैं। ये मसाइल ज़्यादा बड़े मसाइल नहीं हैं, इसको एक तालीम याफ्ता तबका आसानी से हल कर सकता है। और उसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं अब्दुल हफीज़ साहब कि आपकी ये तशहरी मुहिम के दौरान आवाम का आपको किस तरह से ताउन हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं ये डिवीज़न नंबर 55 आने के बाद मैं लोगों से जब मुलाकात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोग वादे कर रहे हैं कि बिल्कुल TRS का करना है, मिस्टर डेवलपमेंट कोड देना है, TRS कोड देना है, कार को देना है, क्योंकि डेवलपमेंट नज़र आ रहा है सबको, काम नज़र आ रहा है सबको। बहुत सारा जो है सो लोगों का ताउन है, बहुत सारे लोग मुलाकात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे आके भी मिल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा करें, ये वार्ड चुने और हम बिल्कुल हमारा ताउन रहेंगे आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पर। नाज़रीन, अब्दुल हफीज़ साहब जो काफ़ी अरसे दराज से समाजी खिदमत के ज़रिए जुड़े हुए हैं, अवामी हलकों में काफ़ी मशहूर और मरूफ हैं, खुसूसी नौजवान हलका इनके तरक्याती कामों से, इनके फलाही कामों से काफ़ी मुतासर रहा है। नाज़रीन, हम अपने इस इंटरव्यू के अख्ताम की तरफ जाते हुए हाफिज़ साहब से एक मैसेज लेना चाहते हैं कि वो अपने वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं अपने वोटर्स को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, हुकूमत हमारी है, MLA साहब हमारे है, मेयर भी हमारा रहेगा, आपका वोट ज़ाया ना करे, डेवलपमेंट के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, हमारी TRS हुकूमत के शादी मुबारक है, वजीफे है, हर चीज़ के कारतगी देखते हुए आपका वोट ज़ाया ना करे, आप बिल्कुल कार के निशान को वोट देकर मुझे कामयाब बनाइए। मेरा वादा है इंशाल्लाह मैं बिल्कुल खिदमत करूँगा और मेरी नीयत सिर्फ़ खिदमत की है, इसके अलावा कोई नीयत नहीं है मेरी। नाज़रीन, यहाँ पर उनके साथ जो आवाम मौजूद हैं हम उनसे भी बात करते हैं और उनके तासुरात लेते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबी मुहिम हमारी बहुत ज़ोरों पर चल रही थी। आज महल्ले मालापल्ली में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ सुबह की अव्वलिन सातों में हुआ, जिसमें कसीर तदाद में बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने और महल्ले के मौजी शख्सियतों ने हमारा साथ दिया और महल्ले की आवाम ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और महल्ले की आवाम ने यह तसल्ली दी कि हमें अब्दुल हफीज़ को जिता कर लाना है और अब्दुल हफीज़ से हमें काम लेना है। कल MLA साहब भी ये बात बताए कि अब्दुल हफीज़ को जिताना है और काम मेरे से लेने का है, यानी MLA साहब की भी नज़र महल्ले मालापल्ली पर है और मालापल्ली की तमाम आवाम हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, क्योंकि हमारी इंतखाबी मुहिम 2-3 रोज़ से चल रही है। हमारे साथ नौजवानों ने कसीर तदाद में इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और इंतखाबी मुहिम में महल्ले वालों का और महल्ले के बुज़ुर्ग शख्सियतों का भी बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा टाइम देकर, हमारे साथ वक्त देकर लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मालापल्ली डिवीज़न नंबर 55 के आवाम से मुतालिबक हम ये उम्मीद करते हैं, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने कीमती वोट को कार के निशान पर दबाकर अब्दुल हफीज़ भाई को मजबूत करें, क्योंकि वो डेवलपमेंट को लेकर अपनी नीयत डेवलपमेंट के लिए और अपने अजायम को बुलंद रखकर इन्होंने हमारे वार्ड मालापल्ली डिवीज़न नंबर 55 से हिस्सा लिया है और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि अब्दुल हफीज़ भाई को अक्सरियत से कामयाब बनाएं और काफ़ी भारी अक्सरियत से हम उन्हें कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआओं की गुजारिश। मैं हमारे गणेश गुप्ता साहब का तकरीर सुना, बहुत अच्छी उनके लफ्ज़ों में, उनकी ज़बान में, उनकी आवाज़ में इंसानों के लिए हमदर्दी दिखी मेरे को, और हिंदू ना मुसलमान सिर्फ इंसानों की हमदर्दी दिखी, इसलिए मैंने उनको वोट देने का इरादा कर लिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हाफिज़ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हाफिज़ भाई को वोट देना है, हमारा कीमती वोट हाफिज़ भाई के हक़ में देना है, हाफिज़ भाई को जिताना है, हाफिज़ भाई के लिए इतना काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के हाथ से डालते, काम के हाथ से, अच्छा आदमी है वो भाई। अपने मुसलमान भाई को लेके आए तो अच्छा रहता, अपने गली में हाफिज़ भाई को कैसा भी जिताना है भाई, कोशिश करके कैसा भी करके लेके आने का है। देखो भाई,
कार रह दो क्या भी रह दो कार कार से जीत गए तो अपने को गरीबों को मदद करते बेचारे दुनिया के परेशान है लोग उनको जिताए तो अच्छा छे ना हफीज़ भाई को जिताने का है बस। अस्सलाम वालेकुम। हफीज़ भाई को इसलिए जिताना था कि उन्होंने हमारे एंड टाइम पे काम में है, बड़े बुड्ढे सब के काम में है और रूलिंग पार्टी के आदमी है और हमारे साथीदार भी है, घर के पास रहते हैं। टाइम पे हमारे कोई भी काम में नहीं है, खाली हफीज़ भाई जब तो पार्टी के खाली मेंबर थे। जब हम कॉर्पोरेटरों को जब फ़ोन करके बोले तो कई के केस मेट के बोले तो ये केस मेट के बोले तो खाली फ़ोन करे उसका स्विच ऑफ कर लिए तब तक फ़ोन नहीं उठाए। वोट फॉर हफीज़ भाई। नाजरीन, इलेक्शन के दिन पे दिन करीब आ रहा है। 22 तारीख को पोलिंग है, सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक। आवाम अपने वोट के हक का इस्तेमाल अच्छे से करें और तरक्की की जानिब अपने वोट को इस्तेमाल करें, ना कि फिरका परस्त जमातों के बयानों का शिकार बने। मैं कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।